प्रयागराज शूटआउट का नया वीडियो सामने आया है। 32 सेकंड का यह वीडियो उस गली का है जिसमें उमेश पाल अपनी जान बचाने के लिए भागे थे। अभी तक सिर्फ उमेश पाल के घर के बाहर का वीडियो सामने आया था, लेकिन अब इस नए वीडियो से पता चलता है कि जब उमेश पाल गली में भागे तो फिर हुआ क्या था, कैसे शूटर उनके पास पहुंचे और उन्हें मौत की नींद सुलाई। बत्तीस सेकंड का यह वीडियो उमेश पाल के घर की गली का है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि गाड़ी से उतरते ही शूटर उस्मान ने उमेश पाल पर सबसे पहली गोली दागी। जान बचाने के लिए उमेश पाल अपने घर की गली की तरफ भागते हैं, तभी एक शूटर उमेश पाल के पीछे गली की तरफ दौड़ता है। उसके बाद गली में क्या हुआ अभी तक किसी को पता नहीं था, लेकिन इस आखिरी वीडियो में शूटआउट की आखिरी तस्वीर भी सामने आ गई। इस वीडियो में दिख रहा है कि जख्मी हालत में उमेश पाल एक शूटर से जूझ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि वो शूटर कोई और नहीं अतीक अहमद का बेटा असद है। शूटर उमेश पाल के सिर में गोली मारने में नाकाम होता है, फिर उसने उमेश पाल के शरीर के दूसरे हिस्से में एक साथ कई गोलियां दागी। इसी बीच गोली और बम की आवाज सुनकर उमेश पाल के पुराने घर से एक लड़की बाहर निकलकर उन्हें बचाने पहुंचती है, लेकिन शूटर्स को देखते ही वो डरकर भाग जाती है। इस वीडियो में उमेश पाल के गनर राघवेंद्र भी दिख रहे हैं। शूटर की गोली से घायल राघवेंद्र गली की तरफ भागते हैं, तभी गुड्डू मुस्लिम गनर राघवेंद्र पर बम फेंक देता है। बम इतना ताकतवर है कि चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आने लगता है। इस वीडियो से साफ है कि उमेश पाल और गनर राघवेंद्र ने आखिरी वक्त तक मौत का मुकाबला किया था, लेकिन शूटर की दरिंदगी की वजह से वो बच नहीं पाए।